थाना हाईवे क्षेत्र स्थित ट्रांसफर नगर में टायरों में लगी आग, लाखों रुपए के टायर जलकर हुए राख। आपको बता दें कि थाना हाईवे क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में रात्रि करीब 11 बजे लगभग टायरों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर आसपास में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने पुलिस को आग लगाने की सूचना दी। पुलिस द्वारा आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। घटना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं थाना हाईवे पुलिस मंडी चौक के प्रभारी मानेंद्र सिंह पहुंच गए और आग बुझाने में काफी प्रयास भी जुटने लगे। आग बुझाने के दौरान 5 से 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियों में घंटे भर की मशक्कत के दौरान आग पर काबू पाया गया। ये पुराने टायर मरम्मत कर बिक्री के लिए जा रहे थे। यह टायर स्टॉक गोदाम में दो ऑनर कासिम मोहतपुर गेट निवासी शहीद भैंसा गोदाम निवासी थे। इन दोनों के स्टॉक गोदाम में आग लगने से 2 से 2.5 लाख रुपए के टायर जलकर नुकसान हो गए हैं। टायर गोदाम कर्मचारी ने आग लगाने की घटना जानकारी दी। जी, यहाँ पर जो घटना हुई है क्या कर रहे हैं और कौन का क्या नुकसान है? कारण की समझ में नहीं आता जी। टायर जले हैं, एमए टायर और न्यू एसके के। कब की घटना है, आपको क्या ये है? रात हम घर पे थे, रात कोई 10:30 बजे की बात है। फिर क्या हुआ? उसके बाद में हम आए, फायर ब्रिगेड को फोन करा, बुलाए और सारा, फिर हमने भी बुझाया, समन लगाए। लगभग आग बुझाने में कितनी फायर ब्रिगेड? आग बुझाने में कम से कम 5 फायर ब्रिगेड आई थी, 5 या 6। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग लगभग 2-2.5 लाख का। क्या कारण माने जा? इसका कोई पता नहीं।